चलता जी, इस गौरमेंट का कोई सहयोग नहीं है सानू।
इतने 22 जो स्टूडेंट्स है ब्लाइंड लड़कियां ने पढ़दियां ने ते जिहड़ा इन्हां दी देखरेख करता सारा लेडी स्टाफ है। अंदर होस्टल वार्डन ते कुछ होर जिहड़ा स्टाफ है टीचिंग स्टाफ। पहले तो हम सभी कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों से हाथ जोड़कर जन्माष्टमी के पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी परमात्मा के शिष्य परिवार हैं, हम सब उन सभी से हाथ जोड़कर हम पहले तो इनका सबका आदर नमस्कार करते हैं कि इन्होंने हमें इतना मतलब सहयोग कर और इतनी इनकी हेल्प से या इनकी निमित्त के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। एक हमारे निमित्त और बने हैं अशोक सैनी जी, जिनसे हम म्यूज़िक का कुछ क्लासेस अटेंड की थी, तो उन्होंने हमें धर्मपाल इनका सर जी का नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया, जिसके माध्यम से हम ब्लाइंड स्कूल तक पहुंच पाए। पिछली बार हमारे बर्थडे उत्सव पर भी तो हम यहाँ पे आए थे, तो इस बार भी जन्माष्टमी का महोत्सव, मेरे मन में कई तरीके के विचार आ रहे थे कि इस बार मैं जन्म महोत्सव कहाँ और किस तरीके से सेलिब्रेट करूँ। मैंने बहुत सारा प्रयास किया था कि कभी अपने नेबर वालों को पार्टी दूँ, कभी मन कर रहा था कभी अपने मोहल्लों वालों को ही वहाँ पे मतलब लंगारा भंडारा करवाऊँ। मैंने बहुत सारा एक हफ्ते से मेरा प्रोग्राम चलता रहा, परंतु कृष्ण महाराज जी ये चाहते थे कि मैं शायद यहाँ पे हम इस परिवार के पास और ब्लाइंड बच्चों के पास मैं आऊँ। और धर्मपाल जी का हाथ जोड़ के मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत सारा सहयोग किया। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी परमात्मा के व्यक्ति हैं, जितने भी हैं, तो इनसे भी मैं यही अरदास करती हूँ कि आज तक इन्होंने जितने भी बच्चे यहाँ पे सहयोग मतलब हैं और ये वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ऐसी दुर्लभ सेवा किसी को ही प्राप्त होती हैं। क्योंकि हम संसार में जितने भी कार्य करें, हम संसार में जितने भी काम करते हैं, जितने भी बिजनेस वर्क करते हैं, वो सब एक साइड रखकर ये हमारी दृष्टि नज़र से अगर हम देखें तो ये सबसे उत्तम प्रकार की सेवा है। ब्लाइंड बच्चों की सेवा करना ये एक कहते हैं कि द्वापर युग में यज्ञ करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। कलयुग में कहते हैं तीर्थ क्षेत्र वत्र दान, धर्म तीर्थ क्षेत्र करो। कई लोग जन्माष्टमी पे फंक्शन करते हैं, घूमते हैं, पार्टीज करते हैं, परंतु किसी के भी बुद्धि के अंदर ये विचार नहीं आता कि पार्टीज और इधर उधर घूमने से अच्छा है कि हम गरीब बच्चों के पास जाएं, अंध विद्यालय जाएं, इनकी सेवा के अंदर जो सुख और शांति और जो आनंद प्राप्त होता है वह हमें आज तक कहीं पे भी वो सुख और शांति आनंद नहीं प्राप्त हुआ। इससे पहले भी हम जब ब्लाइंड स्कूल में आए थे बच्चों के पास, हमें उनका प्रेम इतना प्राप्त हुआ और उनकी एक भावना हमें देकर हमारे मन में इतना आगाध हुआ कि इस बार भी वो बच्चों का प्रेम ही है जो हमें हर बारी यहाँ खींच कर लाता है। अभी कितने बच्चों से हमारी मुलाकात हुई, हमारी भेंट हुई। वहाँ पर एक खुशी नाम की लड़की है जो आते ही आते कहती हैं, दीदी आप मेरे दिल का एक टुकड़ा हो। अब वो शब्दों को सुनकर मेरी आंखों में से आंसू की धारा बहती हैं कि ऐसा बच्चों के दिल में प्रेम जागा है हमारे प्रति। क्योंकि हम संसार में जितनी भी सेवा कर लें, घर में, परिवार में, प्रपंच में, हम जितना भी कर लें, हमारी वो सेवा एक मूल्य समान होती है। और कुछ बच्चों को यहाँ पे जो खुशी देते हैं, जो प्रेम देते हैं, इतना उत्तम प्रकार का प्रेम है ये जो बच्चों का और हमारा है। जैसे एक परमात्मा का और एक भक्त का रिश्ता होता है, वैसा ही कुछ रिश्ता मेरा इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। इतना प्रेम मुझे इन बच्चों से है और ये परिवार से है। परमात्मा से श्री कृष्ण महाराज जी के जन्माष्टमी के पावन दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ज़रूरी नहीं है कि मंदिरों में जाने से परमात्मा मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि गलियों में ढोल लगारे बजा के परमात्मा मिलेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम घूमेंगे फिरेंगे इत्यादि हम जीवन पूरा समाप्त कर लेंगे फिर अंत घड़ी में हम बोलेंगे हमने सारे जीवन किया ही क्या है। इससे अच्छा ये है कि 84 करोड़ योनि भोकर जब हमें ये आज ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तो इस मनुष्य जीवन का हम सही उपयोग से अपना जीवन व्यतीत करें। वो सही उपयोग किसे कहा जाता है? जो यहाँ पे बैठे हुए जितने भी यहाँ पे बैठे हुए, हम इनका अच्छे से नाम नहीं जानते हैं, परंतु यहाँ पे बैठे हुए जितने भी परमात्मा के भक्त लोग हैं,
ये हमारे लिए बहुत उत्तम प्रकार के भक्त हैं। वह उत्तम प्रकार के भक्त इसलिए हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि संन्यास लेना ज़रूरी है, परमात्मा के वस्त्र धारण करना ज़रूरी है। दुनिया को दिखावा पसंद है, परंतु हमें दिखावा नहीं, हमें मन की शुद्धि पसंद है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम एंड तोयम, कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रेम चाहिए। परमात्मा को एक निस्वार्थ प्रेम पसंद है, परमात्मा को एक निस्वार्थ भक्ति पसंद है, परमात्मा को एक शुद्ध प्यार पसंद है। जैसे एक माता और एक बालक का प्रेम होता है, उसी प्रकार से हमारे इन बच्चों के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है। बस एक बार में ही हमें इस बच्चों के साथ इतनी अटैचमेंट और इतना प्रेम हो गया है कि हम हर बारी प्रयास करेंगे, बाकी परमात्मा की इच्छा। लेकिन हमारा प्रयास हर बारी जरूर रहेगा कि हम हर साल अपना जन्मदिन भी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी, जितने भी फंक्शन आएंगे और फंक्शन ना हो, परमात्मा हमसे ये दुर्लभ सेवा बार बार कराता रहे हैं। और बाकी हम आपको कुछ समय के बाद वो सारे बच्चों का दर्शन भी करवाएंगे। अभी कमरे में सत्संग चल रहा है, सत्संग समाप्त होने के बाद आपको सारे बच्चों के दर्शन करवाएंगे। और परमात्मा बच्चों के अंदर ही वास करते हैं, परमात्मा और कहीं पर भी नहीं है। हमारे परमात्मा बालक के अंदर और बच्चों के अंदर वास करते हैं। कहते हैं जहाँ बच्चे हैं वहाँ परमात्मा है। तो ज़रूरी नहीं आप हर जगह जाकर परमात्मा को ढूँढो, जहाँ सेवा वहाँ परमात्मा। जहाँ भी अगर हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, निर्हेतु सेवा करेंगे, निर्हेतु प्रेम करेंगे, वहाँ परमात्मा आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो ये कलयुग में अगर हम सब यहाँ पे आए हुए हैं अपने जीवन का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो हम यही कहेंगे अगर कलयुग में सबसे उत्तम सेवा है तो यही है कि गरीब हम भी हैं, हम अमीर नहीं हैं, आप हम सारे एक ही समान व्यक्ति हैं। परंतु अगर दिल साफ हो तो वहाँ परमात्मा का घर अवश्य ही बनेगा, और जहाँ बच्चे हैं तो वो परमात्मा का घर है। सर मेरा नाम घनश्याम है, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर सोशल सर्विस कर रहा हूँ। ये जो स्कूल है जहाँ पर हम बैठे हैं, ये इसका नाम है बीबी भानी कन्या नेत्रहीन विद्यालय। सन 1986 में इसकी फाउंडेशन हुई थी और 90 में स्कूल की शुरुआत हुई थी। यहाँ से लगभग 150 के करीब ब्लाइंड लड़कियाँ पढ़ के जा चुकी हैं और बहुत सारी लड़कियाँ अपने सरकारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तैनात हैं और अच्छी अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। यहाँ पर बच्चों को पहली से बीए तक की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर, म्यूज़िक, वोकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, किचन ट्रेनिंग और भी बहुत कुछ यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, ताकि बच्चे ये सब चीज़ें सीख करके अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बन जाएं। इस समय यहाँ पर 22 लड़कियाँ एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए सारा ही लेडीज स्टाफ रखा हुआ है। तो बच्चों से कोई भी फीस किसी तरह की नहीं ली जाती, ये सारा ही इनका जो खर्चा है पब्लिक डोनेशन पर डिपेंड है, पब्लिक डोनेशन से ही स्कूल चलता है। सरकार का यहाँ इसमें कोई भी अभी तक योगदान हमें नहीं मिल रहा है। और ये भी बता दूं कि इनके जो पेरेंट्स हैं इनसे भी हम कोई भी हम ये नहीं कहते कि हमें यहाँ पर डोनेशन दो, अपनी मर्जी से कोई दे तो अलग बात है। बाकी बच्चों की जब पढ़ाई की फीसें, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं और बच्चों की जो मेडिकल खर्चे हैं, बच्चों की जो रोटी पानी है, हर चीज़ का जो खर्चा है वो सब पब्लिक डोनेशन से आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम किसी तरह का कोई ऐसे नहीं है जो कि पक्का परमानेंट अपना इनकम हो। पंजाब सरकार से क्या बात करना चाहते हैं भगवंत मान की सरकार से? पंजाब सरकार जो इस वक्त भगवंत मान जी हमारे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे आप और जो अपना तबके हैं या और वर्ग हैं उनकी सहायता करते हैं, ये जो स्कूल है जिसको कि ये बीबी भानी कन्या नेत्रहीन विद्यालय है जिसको भारत नेत्रहीन सेवक समाज ब्रांच अमृतसर चला रही है। और ये भी बता दूं कि जब भारत नेत्रहीन सेवक समाज के जितने भी मेंबर हैं 80% मेंबर नेत्रहीन हैं और 20% मेंबर नेत्रवान हैं। ये सब मिलकर के लोगों से सहायता ले लेकर के इस स्कूल को चला रहे हैं
तो पंजाब सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि पंजाब सरकार भी इस स्कूल को कुछ ना कुछ डोनेशन दे, ताकि इन बच्चों के भविष्य को और भी अधिक उज्जवल बनाने के लिए हम बेहतर कदम उठा सकें। आज नीलू पटेल जी आए हैं आपके पास, तो कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी, पहले तो मैं कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर सभी इस चैनल को देखने वाले श्रोताओं को या और दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही साथ ये नीलू जी जो मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने पिछले साल भी प्रोग्राम किया था और आज भी इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है स्कूल में, तो इनसे भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि लोगों को जोड़े, यहाँ पर जो अधिक से अधिक डोनर्स हैं उनको जोड़े, ताकि बच्चों की जो नीड्स हैं वे पूरी हो सके, क्योंकि पढ़ाई एजुकेशन जो है ना वो मस्ट है, और एजुकेशन आपको पता है कितनी महंगी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ, जो अपने अपनी आपकी टीम जो सहयोग संस्था को दे सकती है, पैसों की मदद भी कर सकती है, और भी यहाँ पर बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, उनकी मदद भी कर सकती हैं, और ये भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर सहयोग करें, और पब्लिक से भी यहाँ पर पब्लिक तक भी हमारी बात पहुँचाएं, ताकि संस्था को और भी बुलंदियों तक लेके जाया जा सके। बच्चों के पेरेंट्स को क्या अपील करना चाहते हैं? बच्चों के पेरेंट्स से तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो बस हमें इतना सहयोग दें कि बच्चों को यहाँ पर जो अपना अपने जो कोई किसी घर में बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी कोई ब्लाइंडनेस आ जाती है, तो वो यहाँ पर भेज दें। ये संत साहिब रोड पर छाटा अमृतसर में स्थित है स्कूल, और बिल्कुल लड़कियों के लिए है, और यहाँ पर और सारा ही लेडी स्टाफ है, और किसी तरह की कोई मुश्किल बच्चों को नहीं है। बच्चों को यहाँ पर भेजें ताकि उनका भविष्य बन सके, क्योंकि जो भविष्य नहीं बन सकता, क्योंकि इनको ब्लाइंड लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, इनको स्पेशल एजुकेशन चाहिए होती है, जो कि नॉर्मल